अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लास नाइन्थ मैथ का स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर बुक्स। तो हम लोग एक्सरसाइज के साथ साथ जो है वो थ्योरम्स को भी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो आप सब जो है वो अपना ओपन कर लें चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर आपके पास क्या चीज़ है। पहला थ्योरम है हमारे पास 10.1, ठीक है। तो 10.1 के अंदर जी आप देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स को जो है वो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर हम लोग अपना ये ट्राइंगल लेते हैं कि इसकी जो एक साइड है, कोई भी एक साइड, ठीक, वो और इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। किस चीज़ के, जो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल पड़ा हुआ है, यानी कि जो इसके ऑपोजिट जिस ट्राइंगल के साथ हमने इसको कंपेयर करना है वो जो है इसके साथ इक्वल है उसके, यानी इसका ये एंगल इसके इक्वल है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है। और फॉर एग्जाम्पल हम ये साइड बोल रहे हैं तो इसकी ये साइड जो है वो क्या है हमारे पास, इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइड है ना इसके अंदर, तो ए ए एस तो पोस्टुलेट कोई होता नहीं है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है साइड 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 पोस्टुलेट होता है, यानी कि ट्रिपल एस पोस्टुलेट्स, या फिर हमारे पास क्या होता है एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे फिर क्या लगेगा, जाहिर सी बात है साइड्स तो है नहीं सारी, तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट इज इक्वल्स टू, यानी कि इसका एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट इज इक्वल्स टू एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने थ्योरम के जो है वो नेक्स्ट आपने प्रूफ इसका लिखना है, इसी थ्योरम को देखते हुए इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने। देन उसके बाद आपके पास एक ब्लॉक आ जाता है जिसमें आप लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी इन फिगर्स को देखकर, ठीक है। जो हमने दो भी ट्राइंगल्स पीछे देखे थे उन दोनों फिगर्स को देखकर जो है वो आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी और रीजंस बतानी होंगी कि अगर आप किसी चीज़ को किसी के इक्वल बोल रहे हैं तो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, तो वो रीज़न आपने यहाँ पे बतानी होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।